नमस्कार दोस्तों, भाइयों, बहनों, देवियों, सज्जनों, आप सबका स्वागत है एक्सोटिक एस्ट्रोलॉजी पे। 20 नवंबर 2020 को गुरु महाराज मकर राशि में गोचर करने वाले हैं और अभी धनु राशि में है। उसके बाद 3 महीना और फिर मकर राशि, जो कि नीच राशि माना जाता है गुरु महाराज के लिए, उस पे गोचर करने वाले हैं। और लगभग दिसंबर के 5 या 10 तारीख से आप सबको इसका प्रभाव दिखना शुरू हो जाएगा। और इस गोचर को बहुत भयानक बताया जा रहा है बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पे या टीवी पे, कि बहुत खतरनाक रहने वाला है ये सबके लिए, क्योंकि ये नीच राशि का गोचर है। लेकिन आप सबको मैं एक चीज याद दिला देता हूँ कि हमारे जीवन में जो भी होता है वो हमारे अपने कुंडली के दशाओं के अनुसार होता है, तो इसलिए आप लोगों को डरने की कोई जरूरत नहीं है। आपके दशाओं में जो है वो होगा, ऐसा नहीं है कि ये नीच राशि में गोचर हो रहा है इसीलिए सबकी बर्बादी होगी, ऐसा मत सोचिए, ठीक है। तो ये जो गोचर है इसका मैंने ये फाइल बनाया है, ये शायद आप अभी देख पाएंगे। मैं हर लगन के लिए बताऊंगा कि किस भाव में ये गोचर होगा और किन घरों का गुरु गुरु महाराज किन घरों के स्वामी हैं। और उसके बाद हमें ये भी देखना है कि हम किस प्रकार के उपाय इस गोचर के दौरान हम कर सकते हैं, जो कि पूरा 2021 है। तो मेरे मुताबिक जो अंग्रेजी वीडियो मैंने बनाया है इसी टॉपिक पे, उस पे भी मैंने ये बताया था, यहाँ फिर से बता रहा हूँ कि ओम नमो भगवते श्री वामनाय, ये मंत्र हम सबको करना चाहिए। कोई मतलब नहीं हमें कि हमारा कौन सा लगन है या कौन सा राशि है, कोई मतलब नहीं हमें उसे। ये वामन देव का मंत्र है जो विष्णु अवतार है जो गुरु को संबोधित करते हैं, तो इसीलिए ये मंत्र सबसे ज्यादा उपयोगी है। फिर से मैं बता दे रहा हूँ, ओम नमो भगवते श्री वामनाय, द्वादश अक्षरी मंत्र है इसमें, 12 अक्षरों वाला, तो ये बहुत सही रहेगा। ये मंत्र जब हम करेंगे तो ये हमें दिशा देगा और ये हमें आगे लेके जाएगा। तो अभी लास्ट एक सवाल है कि ये जो गोचर होने वाला है इसको हम लग्न से देखें कि अपना चंद्र राशि, जिसको राशि से जाना जाता है, उससे देखें। तो मेरा मानना है कि हमें लगन से देखना चाहिए, चंद्र राशि से नहीं, क्योंकि कलयुग में जब तक लगन से गोचर होता नहीं तब तक भौतिक चीजें हमें प्राप्त नहीं होती, और जब तक कलयुग में भौतिक चीजें प्राप्त नहीं होती है तब तक मन को संतुष्टि नहीं मिलती है। तो इसीलिए मान लीजिए आपका राशि है कर्क राशि, मैं उदाहरण के तौर पे बोल रहा हूँ, और आपका जो कर्क राशि मतलब आपका जो चंद्रमा है वो कर्क में है, ठीक है, या तो पुनर्वसु नक्षत्र में है या पुष्य नक्षत्र में या आश्लेषा में, पुनर्वसु चौथा चरण। और मान लीजिए आपका जो लगन है वो सिंह लग्न है तो आपको सिंह दिखना चाहिए, ठीक है। तो अभी चलते हैं मेष राशि पे, मैं इसको साइड में कर देता हूँ। तो ये जो मेष राशि है ये गोचर जो है आपके लिए 10वें घर में होने वाला है, और ये जो गोचर है ये बहुत ही शुभ फलदायी होने वाला है आपके लिए। क्यों बता रहा हूँ मैं ये, क्योंकि ये 10वां घर है, नहीं उसके वजह से नहीं, आप अगर देखें आपके कुंडली में 10वां घर का स्वामी कौन है, वो शनि है, और 9वां घर का जो स्वामी है वो गुरु है, 12वें घर का भी स्वामी है। तो 9वें और 10वें घर का जो स्वामी है शनि और गुरु दोनों एक साथ 10वें घर में गोचर करने वाले हैं अभी। तो ये धर्मा कर्माधिपति योग बोला जाता है इसको, जब नवम और दशम भाव के स्वामियों का कोई संबंध बन जाता है, वो एक दूसरे को दृष्टि डाले या एक दूसरे के साथ बैठे या परिवर्तन में हो, तो ये गोचर जो है आपके लिए 10वें घर में हो रहा है। और ये जो 10वां घर जो है इसको केंद्र जो होता है हमारा 1, 4, 7, 10 जो घर होते हैं, उन चारों घरों में से सबसे ताकतवर माना गया है, जो हमें एक जीवन में एक दिशा देती है कि हमको जीवन में क्या करना चाहिए, हमारा जीवन का उद्देश्य क्या है, हमारा जीवन का लक्ष्य क्या है। तो क्योंकि ये धर्मा कर्माधिपति योग भी बना रहा है और ये 1 साल तक आपको मिलेगा ये धर्मा कर्माधिपति योग,
तो ये भगवान रामचंद्र की कुंडली में भी वो इस योग के साथ पैदा हुए थे, धर्मराज युधिष्ठिर भी पैदा हुए थे इस योग के साथ। तो ऐसा सोच लीजिए कि 2021 जो पूरा साल है, आपके अंदर भगवान राम और महाराज धर्मराज युधिष्ठिर की शक्ति आपके अंदर आ जाएगी, ऐसा सोच लीजिए। तो इसका अर्थ क्या है कि हमारा जीवन का जो लक्ष्य है, जो हमें लगता है जिसके लिए हम पैदा हुए हैं, जिसका जिसके लिए हमारी उत्पत्ति हुई है, तो हमें उस पे विचार विमर्श करना चाहिए और उसकी ओर अग्रसर होना चाहिए हमें, ना कि हम फालतू का ऐसे समय बर्बाद करें ना ये टीवी वीवी देख के। तो इसीलिए आप चाहे कोई भी हो, आप नौकरी करते हो या व्यवसाय है आपका, या आप कोई कंसल्टेंसी सर्विसेज देते हो, या कोई भी हो, या आप घर से कोई काम करते हो, कुछ जो जो भी आप करते हो, आप ये देखिए आपके जीवन का लक्ष्य क्या है, आप क्या करना चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं कि जब आप इस दुनिया से गुजर जाए, जब आप इस दुनिया में ना रहे, तो लोग आपको किस चीज के वजह से याद रखे, आप क्या चाहते हैं कि लोग क्या बोले आपके बारे में, आप अपना जीवन ऐसा कैसे बनाए कि जब कोई दूसरा आपको देखे तो बोले कि मुझे इसके जैसा बनना है। तो ऐसा क्या आप दुनिया में करके जा सकते हैं जिसके वजह से सारी दुनिया आपसे प्रेरणा ले, क्योंकि 10वां घर जो है ये सूर्य का दिग्बल स्थान है। तो अगर आपको कोई बहुत बड़ा काम करना है, अगर आपको अपना जैसा नौकरी छोड़ के कोई अपना व्यवसाय शुरू करना है तो आप कर सकते हैं, अगर आपको कोई प्रमोशन चाहिए तो आप अप्लाई कर सकते हैं अपने सीनियर या अपने बॉस के पास जाकर, हो सकता है कि आपको वो मिल जाए। या तो अगर आप ऑलरेडी बिजनेस में है, व्यवसाय है आपका और आप उसको बढ़ाना चाहते हैं, एक्सपांड करना चाहते हैं, 1 से 2, 2 से 3, 4 से 8 करना चाहते हैं, तो ये बहुत बढ़िया टाइम है वो करने के लिए, आप वृद्धि कर सकते हो उसमें, बहुत अच्छा रहेगा। कि 10वें घर से ये जो गुरु है आपके चौथे घर को दृष्टि डालेगा, फिर दूसरे घर को, फिर छठे घर को भी दृष्टि डालेगा और 12वें घर का भी स्वामी है। तो इसीलिए हो सकता है थोड़ा बहुत दान दक्षिणा अगर आप करते रहे तो बहुत बढ़िया है ये। और क्योंकि 9वां घर का भी स्वामी है, तो इसके लिए आपको जब भी कोई समस्या हो तो आप अपने गुरुजनों से या आपके पिता से विचार विमर्श करें, और चौथे घर को भी दृष्टि डालेगा। तो अगर आप जमीन जायदाद संबंधी भी कुछ काम करना चाह रहे हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। और इसके अलावा दूसरा घर, छठा घर जो है और 10वां, ये तीनों को अर्थ त्रिकोण बोला गया है। तो अर्थ त्रिकोण यानी धन लक्ष्मी का आना, और उसको उसको अलग अलग जगह आप इन्वेस्ट करिए, जैसे आप म्यूचुअल फंड हो गया या कोई भी ऐसी चीजों पे आप इन्वेस्ट करिए जिससे आपको बाद में बहुत सारा लाभ हो, 10 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल बाद। और जैसा मैंने कहा, अगर आपको वाहन संबंधित भी कुछ करना है तो कर सकते हैं, क्योंकि चौथे घर को दृष्टि डाल रहा है। तो मेष राशि के लिए धर्मा कर्माधिपति योग है, तो ये पूरा एक जो साल है 2021, इसको अच्छे से आप इसका उपयोग करिए और समय व्यर्थ ना करिए, ठीक है? तो मेरी शुभकामनाएं सभी मेष राशि, मेष लग्न वालों के लिए। अभी चलते हैं वृषभ राशि पे। वृषभ राशि जो है आपका, ये गोचर हो रहा है 9वें घर पे और गुरु जो है आपके 8वें घर और 11वें घर के स्वामी है। तो 9वां घर जो है, आपको तो पता ही है कि हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि गुरु का जो 9वां घर का जो गोचर होता है सबसे अधिक शुभ होता है। जैसा मैंने मेष लग्न के लिए कहा था, उनके लिए धर्मा कर्माधिपति योग है। तो वृषभ राशि, वृषभ लग्न के लिए क्या हो रहा है कि जो 9वें घर का गोचर है ये भी धर्मा कर्माधिपति योग बन सकता है, अगर आप इसको इसका प्रयोग आप अगर आप अच्छे से करें। क्योंकि अगर आप देखें तो वृषभ लगन में क्या होता है, शनि जो होता है नैसर्गिक को 10वें और 9वें घर का स्वामी हो जाता है वृषभ लगन में। तो अभी और गुरु जो है वो नैसर्गिक नवमेश है, क्योंकि गुरु जो है वो धनु राशि का स्वामी है काल पुरुष कुंडली में। तो और शनि जो है मकर राशि का स्वामी है, जो काल पुरुष में 10वें घर का स्वामी है। तो इस कारणवश, और ये गोचर भी 9वें घर में हो रहा है और नवमेश भी शनि ही है आपका, तो ये भी अगर आप चाहे तो धर्मा कर्माधिपति योग जैसा बना सकते हैं, आप अपने जीवन लक्ष्य की ओर बढ़ सकते हैं।
आपको आप अपने आप को पूछे कि आप किस लिए आपका उत्पत्ति हुआ था, क्यों आप पैदा हुए थे इस संसार में, क्यों आपका जन्म हुआ था। आपको क्या लगता है कि जब जब आप इस पृथ्वी को छोड़ के चले जाएंगे एक समय, तो लोग किस चीज के वजह से आपको याद रखे, किन भावनाओं के से आपको जोड़ के रखे। और ये जो नवा घर है, ये गुरु का भी स्थान है, तो ये आपके पिता का भी स्थान है, तो इसके वजह से आपको इस आने वाले साल में जब भी कोई समस्या हो, जब भी कोई संकट आए आपके पास, या जब भी कोई संशय हो आपके अंदर कि मुझे क्या करना चाहिए जीवन में, कैसे मैं बढ़ू अपने जीवन लक्ष्य की ओर, तो हमेशा एक गुरु के पास जाइए। अपने गुरुजनों से आप विचार विमर्श करिए कि मेरे लिए क्या उचित होगा, ये अच्छा है कि वो अच्छा है। तो उन अपने शिक्षा गुरु जो है, दीक्षा गुरु, पत्र दस्ते गुरु, इनका शरण लीजिए, आप इनसे आप ज्ञान लीजिए, आपके पिता से भी आप ज्ञान ले सकते हैं। और अगर आपका आपके पिता या गुरुजनों से कोई मन मुटाव है, कोई संबंध खराब हो गया है, तो आप इनसे संबंध सुधार सकते हैं। अभी सबसे बढ़िया टाइम है ये, क्योंकि गुरु जो है वो शुभ ग्रह, नैसर्गिक शुभ, सबसे शुभ ग्रह है गुरु। तो नवे घर में जब जाता है, तो पिता संबंधित या गुरु संबंधित जो भी चीजें आपकी मुताबिक नहीं चल रही थी, वो अभी अगर आप चाहे उनसे बातचीत करें तो उनको सुलझा सकते हैं आप। तो इसलिए साल का अच्छे से उपयोग करिए, और नवे घर से वो लगन तीसरे और पंचम घर को दृष्टि डालेगा गुरु, तो लगन पे दृष्टि डालेगा, तो ये बहुत अच्छा टाइम है कि आप कोई आध्यात्म से जुड़ी हुई चीजें करिए। नवम भाव जो है वो आध्यात्म का भी घर है, तो भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, ये सब आप पढ़ सकते हैं। फिर पांचवा घर जो संतान का भी घर है, तो अगर आप का कोई संतान है तो आप उनसे संबंध और बेहतर कर सकते हैं, ये भी बहुत बढ़िया समय आपके लिए। तीसरा घर हो गया, जैसे आपके कोई किताब आप पब्लिश करना चाहते हैं, या कोई प्रवचन देना चाहते हैं, या कहीं छोटी दूरी की यात्रा करना चाहते हैं, क्योंकि नवा घर भी लंबी दूरी की यात्रा है, तो ये भी आप कर सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर आप कोई उच्च शिक्षा की ओर जाना चाहते हैं, तो ये भी बहुत बढ़िया समय है, क्योंकि नवा घर उच्च शिक्षा का भी, जैसे मास्टर्स हो गया, PhD हो गया। उसके बाद आठवें घर का स्वामी है और ग्यारहवें घर का स्वामी है, तो ग्यारहवें घर का स्वामी अर्थात लाभ भाव का स्वामी है आपका गुरु, तो इसके वजह से आप बड़े बड़े संस्थाओं से जुड़ सकते हैं, आध्यात्मिक संस्था, बड़े बड़े लोग आपको मिल सकते हैं। तो इसके वजह से आपके जो आपके करीबी है, आपके रिश्तेदार दोस्त जो है, उनसे अच्छा संबंध बना के रखिए। और अष्टमेश भी है गुरु, तो इसके वजह से कोई अचानक कोई आपको लाभ हो सकता है, या अचानक कोई ऐसी चीजें हो सकती है आपके जीवन में जिसकी वजह से आपको शुरुआत में लग सकता है कि खराब हुआ, लेकिन बाद में जाके आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि अच्छा ही हुआ मेरे साथ, ये हो गया। तो पढ़ाई, रिसर्च वगैरह के लिए भी बहुत अच्छा टाइम है, तो आध्यात्मिक चीजों से जुड़िए, अपने गुरु से संबंध अच्छा रखिए, और लंबी दूरी की यात्रा करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, और ज्ञान की ओर अग्रसर हो जाइए, ज्ञान लेने का आप प्रयत्न करिए तो सबसे अच्छा होगा। और सत्संग वगैरह में भी जुड़ सकते हैं, क्योंकि 11वां घर भी आ रहा है इसमें, ठीक है। तो वृषभ राशि के लिए मेरी शुभकामनाएं। अभी आते हैं मिथुन राशि पे। मिथुन राशि के लिए ये जो गोचर है वो आठवें घर में हो रहा है, और गुरु जो है सातवें घर का और दसवें घर का स्वामी है, और आठवें घर में जब गोचर होगा तो ये दूसरे घर को दृष्टि डालेगा, फिर 12वें घर को, चौथे घर को भी दृष्टि डालेगा वहां से। तो आठवां घर जो है ये आपकी दशाओं के ऊपर निर्भर करेगा, ये किस तरफ जाएगा। तो आपकी दशाओं में अगर ज्ञान संबंधित कोई दशा चल रही है, जैसे मान लीजिए आपके चतुर्थेश या पंचमेश नवमेश की दशा चल रही है, तो हो सकता है ये आपको उच्च शिक्षा, जैसे रिसर्च हो गया, PhD, पोस्ट डॉक्टरेट, ये सब की ओर आपको लेके जाए, ऐसा हो सकता है। आठवां घर जो ससुराल का भी है, तो ऐसा हो सकता है कि आपका भी ससुराल वालों के साथ उठना बैठना बहुत ज्यादा बढ़ जाए, वो लोग आपके साथ ज्यादा संबंध बनाने का कोशिश कर सकता है, ऐसा हो सकता है। और अगर आपकी दशाओं में जैसा धन संबंधित कोई घर जो दूसरा, छठा, दसवां और 11वां होता है, वो घर अगर अभी एक्टिवेट हो गया आपके दशाओं में, तो ऐसा हो सकता है कि आपके ससुराल वालों के साथ आप कोई नया व्यवसाय भी शुरू कर सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। मैं ससुराल का बात क्यों कह रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि
क्योंकि इसलिए नहीं कि वो आठवां घर है, क्योंकि यहाँ पे गुरु जो है वो स्वयं सप्तमेश है, जो विवाह का घर है। तो जब सप्तम और अष्टम जुड़ जाता है तब वो ससुराल ही बताता है, क्योंकि आठवां घर जो है वो सातवें घर का दूसरा है, मतलब आपके जीवन साथी का के जो उनका जो परिवार है वो बताता है। तो इसीलिए ससुराल बता रहा हूँ मैं बार बार। और दसवां घर का भी स्वामी है गुरु। तो इसीलिए क्या है कि अगर आपका ऐसा कोई कार्य है जो आप करना चाहते हैं, देखिए आठवां घर जो है वो दूसरे लोगों का धनराशि भी बताता है, आपके जीवन साथी का ही नहीं। तो मान लीजिए आपका कोई दोस्त है, आपका कोई मित्र है, या कोई जैसा आपका कोलीग है जो ऑफिस में काम करता है साथ में, तो अगर आप कोई बिजनेस खोलना चाहते हैं, कोई व्यवसाय करना चाहते हैं, तो इनसे भी आप हेल्प ले सकते हैं। इनका इनसे भी आप लक्ष्मी लेके अपना बिजनेस खड़ा कर सकते हैं ना, धन धन लेके आप खड़ा कर सकते हैं। मतलब ये लोन वगैरह नहीं बताता है। लोन जो हो गया छठा घर हो गया, क्योंकि वो बैंक का हो गया, वो गवर्नमेंट आ गया उसमें। लेकिन आठवां घर जो है दूसरे लोगों का पैसा है, जो मतलब आराम से लोग आपको कभी दे सकते हैं ना, कि मान लीजिए थोड़ा रकम है तो आपका कोई दोस्त या कोई भाई, कोई बहन, कोई भी दे सकता है आपको ना। तो इस टाइप की चीजें आप ध्यान में रख सकते हैं। और आठवां घर जो है ये अगर आपके दशाओं में पंचम घर से पंचम स्थान से रिलेटेड कोई दशा आपकी चल रही है, तो कोई प्रेम संबंध भी जुड़ सकता है आपका किसी के साथ। और अष्टम भाव जो है जब गुरु उसमें जाता है, तो ये बहुत अच्छा समय है कि आप जैसा ज्योतिष या आध्यात्मिक चीजों पे आप अपना रुचि बढ़ाएं, और वहां से दूसरे घर को दृष्टि डालेगा गुरु। तो दूसरा घर जो होता है ये हमारे हमारा स्वयं का जो घर होता है वो होता है, कुटुंब का भाव होता है। और इसके साथ साथ हम जितना पैसा बचाते हैं ना, वो बचत का भी घर होता है। तो पैसा कमाते तो बहुत लोग हैं, लेकिन बचाते बहुत कम लोग हैं। तो इसीलिए अगर आपको लगता है कि आपके पास पैसा बहुत आता है लेकिन कुछ बचता नहीं है, तो ये सबसे अच्छा टाइम है कि आप ये ध्यान दें कि आप बचत कैसे ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं। इसके अलावा 12वें घर को भी दृष्टि डालेगा। तो अगर आप तीर्थ यात्रा में जाना चाहते हैं या कोई भी लंबी दूरी की यात्रा में आप जाना चाहते हैं, तो ये बहुत बढ़िया टाइम है, क्योंकि 8वें और 12वें का जब संबंध बनता है तो आदमी हर एक चीज को बहुत सोचता है करने से पहले। तो ये जैसा आपका आध्यात्मिक चीजें हो गया उसके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि उसमें बहुत सारा बहुत चीजें आपको सोचनी पड़ती है, आपको अपने अंदर झांकना पड़ता है। और इसके अलावा 8वें घर को भी ये दृष्टि डाल रहा है। तो 8वां घर जो है वो ज्ञान का घर है। अगर आपकी दशाओं में जैसा मैंने कहा चौथा घर या पंचम या नवम भाव का दशा चल रहा है, तो ये आपको ज्ञान की तरफ ले जाएगा, पढ़ाई वगैरह की तरफ। अगर आपका कोई मान लीजिए चौथे घर या 11वें घर या 12वें घर की दशा चल रही है, तो ये आपको जैसा रियल इस्टेट हो गया, घर घर जमीन जायदाद खरीदना, इस साइड आपको ले जा सकता है। तो आपके दशाओं पे निर्भर करेगा कि ये आठवां भाव कैसा परिणाम देगा आपके लिए। ठीक है, तो मिथुन राशि वालों को मेरी शुभकामनाएं। अभी चलते हैं कर्क राशि वालों पे। तो कर्क राशि के लिए ये जो गोचर हो रहा है ये सप्तम भाव में हो रहा है, और सप्तम से गुरु लगन को दृष्टि डालेगा, तीसरे और 11वें को दृष्टि डालेगा। और ये आपका छठे घर का और 9वें घर का स्वामी है गुरु। और सातवां घर जो होता है ये आपके जीवन साथी का होता है। तो अगर आपकी दशाओं में दसवां घर सॉरी दूसरा घर सातवां या 11वां, ये तीनों में से कोई भी घर की आपकी दशाएं चल रही है, तो और अगर आप विवाह करने की इच्छुक है, तो ये सबसे बढ़िया टाइम है कि आप विवाह कर सकते हैं किसी के साथ। और अगर आपका विवाह हो चुका है, तो ये समय है कि आप अपने जीवन साथी के साथ आपका जो संबंध है उसको सुधारें। अगर आपको लग रहा है कि मनमुटाव ज्यादा है, आपका संबंध उतना अच्छा नहीं है, या आपको डर लगता है कि कहीं हमारा संबंध टूट ना जाएगा जाके, तो ऐसी चीजें अगर आपके दिमाग में आती रहती है, तो ये सबसे बढ़िया टाइम है कि आप कोई आध्यात्मिक चीजों को साथ में मिलके करिए दोनों। तो आप दोनों ज्यादा ईश्वर की और करीब जाएंगे, तो उससे आपका जो आपसी मनमुटाव है, जो भेदभाव है, जो जो खामियां हैं आप दोनों के बीच, वो भी आप उसको
उससे भी पार जा सकेंगे आप आसानी से। तो इसीलिए सप्तम भाव में जो गोचर है उसको अत्यंत शुभ माना गया है, क्योंकि अगर हमारा वैवाहिक जीवन अच्छा जाता है तो ऐसा कहा जाता है शास्त्रों में कि सबसे अच्छा होता है ना, क्योंकि ऐसा कहते हैं एक इंसान के लिए कि एक इंसान जिसके पास धन है वो बहुत भाग्यशाली है, जिसके पास संतान है वो भाग्यशाली है, और जिसके पास अच्छा जीवन साथी है वो भी भाग्यशाली है, लेकिन जिसके पास अच्छा जीवन साथी है वो इन तीनों में से सबसे ज्यादा भाग्यशाली, ये कहा गया है शास्त्रों में। तो और छठा घर जो है, छठा घर जो आपका व्यवसाय है या आपका जो कामकाज है उससे भी जुड़ा हुआ है, लेकिन क्योंकि यहाँ सातवां घर जुड़ गया है छठे के साथ तो ये व्यवसाय बता सकता है, क्योंकि दोनों जो है वो छठा घर भी कभी व्यवसाय बताता है, कभी सातवां घर भी नौकरी बताता है, लेकिन जब जुड़ जाते हैं दोनों तब मैंने देखा है ऐसा कि व्यवसाय ही बताता है। तो अगर आप कोई नया व्यवसाय करना चाहते हैं तो ये सबसे बढ़िया टाइम है, अभी आप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको जैसा छठे घर का स्वामी सातवें में आके लग्न को दृष्टि दे रहा है, तो इसके वजह से कभी ऐसा हो सकता है कि आपको कोई आपके शरीर में ऐसी कोई समस्या आ जाए जिसके वजह से आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बहुत कुछ बड़ा हो सकता है आपके साथ, लेकिन आप थोड़ा ध्यान रखिएगा आपके खाने पीने पे, कि गुरु जो है वो शुभ ग्रह है, वो आपको दुख नहीं देता है, लेकिन गुरु क्या करता है संदेश दे देता है आपको। तो कभी कभार ऐसा हो सकता है कि कोई थोड़ा बहुत बीमारी आपका हो और वो बढ़ जाए, तो उसका फायदा क्या होगा आपको पता चल जाएगा और आप डॉक्टर के पास चले जाएंगे, तो डॉक्टर बोलेगा कि ये बीमारी आपका भी बढ़ गया है, लेकिन अगर आप कंट्रोल करें तो ये नॉर्मल हो सकता है। तो आपके खान पान पे ध्यान दीजिए, और नवे घर का स्वामी है, नवमेश सप्तम भाव पे आ रहा है आपका, तो ये बहुत ही शुभ है अगर आप कोई आध्यात्मिक संस्था से जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि ये ग्यारहवें घर को भी दृष्टि डाल रहा है, लगन को दृष्टि डालेगा तो आपका जो बुद्धि है उसको ठीक करेगा। तो आध्यात्मिक ग्रंथों को पढ़िए, जैसा भगवद गीता हो गया, श्रीमद भागवतम हो गया, या बाइबल या कुरान, जो भी जिस भी धर्म से आप जुड़े हुए उनको पढ़िए, गुरुओं से मिलिए, अपने गुरुजनों से संवाद करिए आपकी क्या अच्छा होगा मेरे लिए, क्या मेरे लिए अच्छा नहीं है, तो ये सारी चीजें अगर आप करेंगे तो बहुत बढ़िया है आपके लिए। ये तीसरे घर को भी दृष्टि डालता है गुरु सातवें घर से, तो तीसरा घर जो है छोटी यात्राओं का है, तो अगर आप अपने जीवन साथी के साथ कोई छोटा मोटा दौरा करना चाहते हैं किसी जगह का तो अभी आप कर सकते हैं। और कभी कभार तीसरा घर जो है विदेशी यात्राएं भी बताता है, अगर आपकी दशाओं में नौवा या बारहवा घर चल रहा है तो ऐसा नहीं कि छोटी दूरी की यात्रा ही, आपका विदेश यात्रा भी हो सकता है इस टाइम। और इसके साथ क्योंकि छठा घर का स्वामी है और ग्यारहवें को दृष्टि डाल रहा है तो ये धन संबंधित भी बहुत लाभ दे सकता है आपको, तो अगर आपको कोई प्रमोशन वगैरह चाहिए तो ये अच्छा टाइम है, आप अपने बॉस को बताइए कि मुझे ऐसा इतना साल में रहा, इतना महीने रहा, अभी प्रमोशन हो तो अच्छा है मेरा, ठीक है। तो ज्ञान की ओर जाइए, काम पे ध्यान दीजिए, और कर्क लगन वालों को मेरी शुभकामनाएं। अभी आते हैं सिंह लग्न पे, लियो असेंडेंट। तो सिंह लग्न वालों के लिए ये जो कुचर है आपका छठे घर में हो रहा है, और गुरु जो है पांचवें घर का स्वामी है और आठवें घर का स्वामी है, और छठे घर में घुस के ये वहां से आपका बारहवां घर को दृष्टि डालेगा, दूसरे घर को दृष्टि डालेगा, दसवें घर को दृष्टि डालेगा। तो ये जो 2-6-10 है ये अर्थ त्रिकोण बोला गया है इसको, अर्थ त्रिकोण यानी कि जो धन लक्ष्मी से संबंधित जुड़ी हुई हमारी वस्तुएं है उनको अर्थ त्रिकोण से संबंधित किया जाता है। तो अगर आपके पास नौकरी नहीं है और अगर आप नौकरी ढूंढ रहे हैं, मान लीजिए आपने अभी अभी इंजीनियरिंग या मेडिकल खत्म किया है, या कोई भी आप व्यवसाय में जुड़ना चाहते हैं, तो ये सबसे बढ़िया टाइम है, आप अप्लाई करिए, एप्लीकेशंस डालिए, क्योंकि अभी आपका छठा दूसरा दसवां ये तीनों जो पैसे के घर बोला जाता है जिनको, ये एक्टिवेट हो रहा है, इसके वजह से बहुत ज्यादा संभावनाएं बढ़ जाती है कि आपको कोई अच्छा नौकरी मिले या आपको कोई प्रमोशन मिले। तो अगर आप एक नौकरी में हैं और आपको प्रमोशन चाहिए
आप प्रमोशन वगैरह के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपका बुध का दशा चल रहा है, या आपका गुरु का ही दशा चल रहा है, या गुरु बुध का अंतर दशा चल रहा है, या महादशा, या प्रत्यंतर से तो नहीं होता है, या तो महा या अंतर चल रहा है, और उसमें भी दशा में अगर ये 2, 6, 10, 11 भाव आ रहे हैं, तो इसको अंग्रेजी में कहते हैं मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम। मतलब हिंदी में इसको बोले तो मतलब अलग अलग जगह से आपको आपका इनकम बढ़ सकता है, आपको अलग अलग जगह से आपकी कमाई आ सकती है ना। तो जैसे मान लीजिए आप एक लेखक है, तो लेखक नहीं, मान लीजिए आप शिक्षक है, आप स्कूल में पढ़ाते हैं, तो ऐसा हो सकता है इसके अलावा आप कोई किताब लिख दे और उसको अमेजोन में बेच डाले, तो वो एक दूसरा जरिया हो गया आपके कमाई का ना। उसके बाद ऐसा हो सकता है आप यूट्यूब में कोई चैनल खोले, तो उससे हो सकता है आप अपना कंसल्टिंग दे, ऐसी ऐसी चीजें हो सकती है आपके साथ। और पांचवें घर और आठवें घर का भी स्वामी है, तो पांचवा घर जो है वो ये बताता है जो चीजें हमें करके पसंद आती है, जैसा खेलना कूदना, जैसा कभी कभार हो गया खाना बनाना, या गाना गाना, या नाचना, या कोई भी ऐसी चीजें जो जिसको करके हम बहुत खुश हो जाते हैं, जिसको अंग्रेजी में हॉबी बोलते हैं। तो ऐसी चीजों पे अगर आपका इंटरेस्ट जाता है तो बहुत बढ़िया है। और छठा घर जो है आपके आपका जो सेहत है उसको भी बताता है, और ये बीमारी का भी घर है। तो अगर आपको लग रहा है पिछले कुछ महीनों से कि मेरे शरीर का कोई एक हिस्सा ठीक से काम नहीं कर रहा है, मेरे दांतों में दर्द है, मेरा आंखों से दिखाई नहीं देता है, या मेरे कानों में कुछ दिक्कत है, या मुझे डायबिटीज का प्रॉब्लम है, या ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कोई नया प्रॉब्लम आ सकता है आपका, वो भी आ सकता है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ अगर आपको लग रहा है कि कोई चीज आपका ठीक से नहीं चल रहा है, कोई भी शरीर का कोई भी एक हिस्सा, तो उसको आप अभी ठीक करा सकते हैं। क्योंकि छठे घर में जब जाता है तो थोड़ा बहुत आपको दर्द हो सकता है, सर्जरी वगैरह हो सकता है आपका, लेकिन आपका बीमारी ठीक हो जाएगा। तो बीमारी को पालते मत रहिए, उसको ठीक करा लीजिए। अगर आपको संदेह है तो जाइए तुरंत अपने डॉक्टर के पास। और अगर आपको ये भी लगता है कि सब कुछ ठीक है मेरे शरीर में, तो भी आप डॉक्टर के पास जाइए, अपना ब्लड प्रेशर चेक करवाइए, अपना डायबिटीज एक बार, शुगर एक बार चेक करवा लीजिए, और आपका वजन एक बार चेक करवा लीजिए, और बाकी जो चीजें है जो नॉर्मल टेस्ट होते हैं ना, और आपका आपका दिल का एक चेकअप करवा लीजिए, हार्ट। तो इससे आपको क्या है, आप निश्चिंत हो जाएंगे कि मेरे पास कोई बीमारी नहीं है। तो आठवें घर का भी स्वामी है, तो इसके वजह से अगर आप जैसे आठवां घर जो है आविष्कार का भी घर है, तो अगर ऐसा कोई चीज जो आप आविष्कार करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। और अगर आपने ऑलरेडी कुछ करके रखा है तो आप इसको अभी पब्लिश करना चाहते हैं, दुनिया को दिखाना चाहते हैं आपने क्या किया है, तो ये बहुत बढ़िया समय है आपके लिए। और स्टॉक मार्केट वगैरह में भी आपका रुचि जा सकता है, लेकिन ध्यान से करिएगा, ज्यादा एक साथ इधर उधर इन्वेस्ट मत करिएगा। मतलब इन्वेस्टमेंट बैंकर वगैरह से बात करिए, एडवाइजर से बात करिए, उनका सलाह मशवरा लेके ही आप करिए जो आपको करना है, ठीक है। तो ये हो गया सिंह लग्न वालों के लिए छठे घर में गोचर। मेरी शुभकामनाएं सिंह लग्न वालों के लिए। अभी चलते हैं कन्या लग्न पे। तो कन्या लग्न का जो ये गोचर हो रहा है, ये हो रहा है पांचवें घर में, और पांचवें घर से गुरु जो है लग्न को, नवम को और ग्यारहवें घर को दृष्टि डालेगा, और गुरु आपके चौथे घर और सातवें घर का भी स्वामी है। तो ये ये जो गोचर होने वाला है ये आपके त्रिकोण में हो रहा है, 1, 5, 9 में। तो ये गोचर का आपको बहुत अच्छे से उपयोग करना चाहिए, क्योंकि मेरे मुताबिक और शास्त्रों में भी ये कहा गया है कि पांचवा घर जो होता है वो कुंडली का सबसे महत्वपूर्ण घर होता है। क्योंकि पांचवा घर हमको ये बताता है हम सुबह उठते क्यों है, हमारा क्या उद्देश्य है जीवन में, वो पांचवा घर से देखा जाता है। तो दसवें घर से भी देखा जाता है, लेकिन पांचवा घर हमको वो हमारी जो चेतना है, वो हमारी जो हम कैसी चीजों के बारे में चिंता करते हैं, हमारे चित्त में क्या रहता है ना। तो तीन चीज है, जैसे चिंता, चित्त और चेतना, ये तीन चीजों को हम पांचवें घर से देखते हैं। तो हम चाहते क्या है जीवन में, जैसे हमारी इच्छाएं क्या है, क्योंकि पांचवें से सातवां जो ग्यारहवां घर है, तो
अभी ये जो 2021 है, जो पूरा गोचर रहेगा गुरु का आपके पांचवें घर में, तो ये सबसे बढ़िया टाइम है कि अगर हमारी कुछ इच्छाएं हैं जिनको हम पूर्ति करना चाहते हैं, अगर वो शास्त्रों के दायरे में है, जैसा रावण की भी इच्छा थी कि दूसरे किसी आदमी के पत्नी का हरण कर रहा है, वो शास्त्रों के विरुद्ध है, वो वर्जित है करना। लेकिन अगर कोई आपकी इच्छा है जो शास्त्रों में अनुमति है जिसका, तो उसको आप पूरा करने का प्रयत्न कर सकते हैं। और यह संतान का भी घर है, तो अगर आपका विवाह हो गया है और अगर आप संतान का उत्पत्ति चाहते हैं, तो ये अच्छा टाइम है उसके लिए। और चौथे घर का भी स्वामी है गुरु, तो चौथा घर जो है आपके जो आपका वाहन है ये बताता है, और आपका जो घर है ना, जो बिल्डिंग है आपका, या रियल एस्टेट संबंधित चीजें उनको भी बताता है चौथा घर। और सातवां घर जो है आपका जीवन साथी के बारे में भी बताता है, आपका वैवाहिक जीवन कैसा है वो बताता है। तो क्योंकि सप्तमेश पंचम में गोचर कर रहा है, तो प्रेम विवाह का योग भी बन सकता है। तो आप किसी से अगर प्रेम करते हैं और अभी विवाह करना चाहते हैं, तो ये सबसे बढ़िया टाइम है, आप कर सकते हो उसके साथ विवाह। और जैसे सप्तमेश पंचम में गोचर कर रहा है, तो इसका एक और अर्थ ये हो सकता है कि आपके अगर कोई दोस्त है या कोई बहुत करीबी लोग है, आपके कोई रिश्तेदार है जिनके साथ आप अपना व्यवसाय शुरू करने का कभी सोचे थे जीवन में, तो ये सबसे सही टाइम है कि आप अभी शुरू कर सकते हैं। क्योंकि अभी क्या है, अभी आप पंचम भाव जो है ना वो सबसे शुभ होता है, तो उसमें क्या होता है, वो एक पसंद पसंद का घर होता है, क्योंकि वो प्रेम का घर होता है ना, बच्चे का घर होता है। तो जो भी आप चीजें करेंगे 2021 में, वो आपको पूरी जिंदगी वो पसंद आती रहेगी, ऐसा मैंने देखा है। गुरु जब पंचम में गोचर करता है, हम जो भी करते हैं पूरा जीवन उन चीजों को हम उन चीजों के बारे में हम सोचते रहते हैं कि वाह ऐसा हो गया मेरे जीवन में, ऐसा नहीं होता तो क्या होता मेरे जीवन में। तो ऐसी चीजों को आप करिए। और जो पांचवा घर होता है वो ये चीजें भी बताता है कि हमें किस टाइप की चीजें पसंद है, हमारे शौक क्या है ना। और जैसे मान लीजिए गाना गाना हो गया, या खाना बनाना हो गया, या नाचना, या कहीं घूमना फिरना, तो ऐसी चीजें आप कर सकते हैं जिससे क्या होगा कि आप अंदर एक इंसान के तौर पे आप खुश रहेंगे। और ये नवम घर को दृष्टि डालता है, तो नवम घर जो है हमारे गुरु का है, तो गुरु का उपदेश लीजिए, गुरुजनों से सलाह मशवरा करिए कुछ करने से पहले। फिर लगन को भी दृष्टि डालता है, और पांचवा घर बुद्धि का भी है, और लगन को भी बुद्धि से जोड़ा गया है। तो इसके वजह से आप किताबें पढ़िए, भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, जैसे बाइबल हो गया, या कुरान, या कोई भी ऐसा धार्मिक ग्रंथ आप पढ़ सकते हैं, जिसके वजह से आपका जो बुद्धि है वो बहुत ही तीव्र तीव्र हो जाएगा, जिससे आप अपने जीवन के जो लक्ष्य है उसकी ओर और तेजी से आप आगे बढ़ पाएंगे। और 11वें घर को दृष्टि डालते हैं, तो आध्यात्मिक संस्था वगैरह से जुड़ना, या कोई क्लब वगैरह में जुड़ना, ये भी हो सकता है आपके लिए। ठीक है, तो ये हो गया कन्या लग्न वालों के लिए। तो चलिए अभी चलते हैं तुला राशि की ओर। तुला राशि, गुरु महाराज गोचर करेंगे आपके चतुर्थ भाव में, और तुला में गुरु तीसरे छठे घर का मालिक है। तो तीसरे घर में गोचर करके, चौथे घर में गोचर करके वो 10वें घर पे दृष्टि डालेंगे, और 8वें और 12वें घर को भी दृष्टि डालेंगे गुरु महाराज। तो ये 4, 8, 12 जो है इसको मोक्ष त्रिकोण बोला गया है। तो मोक्ष का अलग अलग अर्थ हो सकता है हमारे स्तर के अनुसार। तो एक स्तर पे मोक्ष का अर्थ ये भी है कि हमसे जितना बन सकता है हम करें, और बाकी जैसे गीता में कृष्ण कहते हैं कि तुम कर्म करो लेकिन फल की चिंता ना करो। तो ये साल जो आने वाला है हमारे लिए, ये बहुत अच्छा समय है कि हम इस तौर से कार्य करें कि हम अपने साइड से पूरा एफर्ट लगाएं, 100% दे अपना, कोई कमी ना छोड़े, लेकिन हम
ये ना भूले कि बाकी बहुत सारी चीजें हैं जिसके वजह से वैसे वैसे रिजल्ट्स नहीं आ सकते, हो सकता है कभी कभार जैसा हम चाहते हैं। और क्योंकि बारहवें घर को दृष्टि डालेगा तो इसके वजह से ये भी जरूरी हो जाता है कि हम अच्छे से नींद लें, क्योंकि नींद जो है बहुत सारे लोग आजकल नहीं लेते। लोग मुझे कहते हैं कि मैं 3-4 घंटा ही सोता हूँ दिन में। तो मेरा सबसे अनुरोध है जो भी तुला लग्न के लोग है कि ज्यादा से ज्यादा आप नींद लिया करें, 6-7 घंटे मिनिमम। और चतुर्थ भाव जो है वो रियल एस्टेट का है, जैसे जमीन जायदाद संबंधित जो चीजें हैं उन सबको भी दर्शाता है। तो ये बहुत बढ़िया टाइम है कि अगर हमको कोई प्रॉपर्टी लेना है या कोई जमीन जायदाद खरीदनी है या घर में कोई कुछ रेनोवेशन करवाना है, कोई कोई चीजें ठीक करानी है, कोई चीजें खराब हो गई या घर का वास्तु करवाना है हमें, तो बहुत सही टाइम है ये सब करवाने का। और इसके अलावा अगर हमारा जो एजुकेशन है, जो शिक्षा है, ये चौथा घर शिक्षा दीक्षा का भी है, तो शिक्षा संबंधित कोई भी चीज हम कर सकते हैं। क्योंकि ये चौथा घर जो है, वैसे तो ये शिक्षा शिक्षालय स्कूल या जैसे विद्यालय यूनिवर्सिटी को भी कभी कभार दर्शाता है ये। लेकिन मैंने देखा है ये मास्टर्स और पीएचडी वगैरह के लिए भी ये चतुर्भाव को देखा जा सकता है, क्योंकि पढ़ाई तो पढ़ाई ही है आखिर। आप मास्टर्स में करें बैचलर्स में करें क्या फर्क पड़ता है। तो अगर आपकी दशाओं में 9वां घर या 11वां घर आ रहा है तो ये बहुत सही है कि आप कोई भी शिक्षा संबंधित कोई भी काम कर सकते हैं, उच्च शिक्षा की ओर आप जा सकते हैं। और अष्टम को दृष्टि डालेगा गुरु, तो इसके वजह से ये आपके अंदर जो जिन चीजों से आपको भय लगता है, अष्टम भाव वो दर्शाता है जो हम जब अकेले होते तो हम क्या करते हैं, हम क्या सोचते हैं, वो अष्टम भाव से देखा जाता है। तो इसीलिए वो चीजें जो हम हमारे अंदर है, हम डरते हैं कि शायद हम उनका सामना ना कर पाए, तो ये सबसे बढ़िया टाइम है उन चीजों का सामना करने के लिए। और इसके अलावा कोई वाहन संबंधित कोई भी चीज हम करना चाहते तो हम कर सकते हैं। और इसके अलावा ये चतुर्भाव जो है वो माता का भी स्थान होता है, तो हमारी माँ से अगर हमारे संबंध अच्छे नहीं है तो उन संबंधों में सुधार लाने की कोशिश हम करें। और 10वें घर को दृष्टि डालता है, तो 10वां घर तो आप जानते ही है कर्म स्थान है। तो इसके वजह से हमें ये सोचना चाहिए कि हम हमारे पास जो ज्ञान है, चौथा भाव ज्ञान का भी भाव होता है, चौथा पांचवा नौवा, तो हमारा जो ज्ञान है उसको हम हमारे कार्य क्षेत्र में जो व्यवसाय है या नौकरी है उसमें कैसे लेके जाए, प्रैक्टिकल तौर पे हम उसका कैसे उपयोग करें ना। तो ये हो गया तुला लग्न के लिए। उसके बाद आते हैं वृश्चिक लग्न पे। वृश्चिक लग्न के लिए ये गुरु जो है तीसरे घर में गोचर करेंगे, और वृश्चिक में दूसरे और पांचवें घर का स्वामी होता है गुरु। तो तीसरा घर जो है छोटी यात्राओं का भी है और लंबी यात्राओं का भी हो सकता है, अगर 9वें या 12वें घर से संबंध बनाता है तो। जैसा अंग्रेजी में कहते हैं ना डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि चौथा घर से ये 12वां घर है, ठीक है। तो आपको अपना जो आपका जिला है वो छोड़ के जाना पड़ सकता है, या आपका आपका देश भी छोड़ के जाना पड़ सकता है कभी कभी, या कुछ भी हो सकता है, आपका जो लोकेलिटी है या आपका स्टेट है या आपका गांव, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसा हो सकता है कि कहीं दूर जाना पड़े आपको किसी वजह से। वो डिपेंड करेगा आपकी दशाओं में क्या है। तो मान लीजिए आपकी दशाओं में ये अदला बदली होने का संभावना है आपकी दशाओं में, तो ये हो सकता है। लेकिन कुछ लोगों के लिए हो सकता है ऐसा बिल्कुल ही ना हो, वो घर में ही बैठे रहे, तो अब सवाल है उनके लिए क्या होगा। फिर उनके लिए ऐसा हो सकता है कि तीसरा घर जो है वो लिखने का, हमारे हाथों को दर्शाता है। तो तीसरा घर अगर मान लीजिए 10वें या 11वें घर से संबंध बना रहा है हमारे दशाओं में, तो ऐसा देखा गया है कि आदमी लिखता बहुत बढ़िया है और लिखने के अलग अलग सोच विचार, अलग अलग आइडियाज, इनोवेटिव थॉट्स आते हैं उसको ना। तो कभी उसने सोचा नहीं है कि मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ऐसी चीजें उसके दिमाग में आएंगी। तो मेरा अनुरोध है सारे वृश्चिक लग्न वालों से, अगर आपका
निश्चित लगन है और आप कोई भी किताब या कोई इंटरनेट पे कोई आर्टिकल या यूट्यूब पे कोई आप चैनल खोलने का प्लान कर रहे हैं, तो इससे बढ़िया टाइम आपको नहीं मिलेगा 12 सालों में। मैं लिख के दे रहा हूँ आपको, सबसे बढ़िया टाइम है आपके लिए, इसका पूरा सदुपयोग करिए आप। और इसके अलावा तीसरा घर जो है वो पड़ोसियों का भी होता है, तो पड़ोसियों से अगर आपका संबंध ठीक नहीं है, मन मुटाव है, मतभेद है, तो उनको सुलझाने का प्रयत्न कीजिए। अगर कोई कोई चीज ऐसा है कि ना बहुत ज्यादा झगड़ा हो गया, कोर्ट वगैरह तक बातें पहुंच गई है, उस केस में बता रहा हूँ। लेकिन ऐसा तो कहते ही है पड़ोसी को बदल नहीं सकते, हमको बदलना भी नहीं है, लेकिन हमको बस ये देखना है कि हम कि बात इतना ना बिगड़े कि पुलिस आ जाए या कोर्ट तक चले जाए। कभी कभार ऐसा होता है, तो मैं सारे पहलू आपको बता रहा हूँ क्या क्या हो सकता है। इसके अलावा तीसरा घर जो है वो प्रचार का भी होता है, तो अगर आप धर्म अध्यात्म से जुड़े हुए हैं, तो अगर आप गुरु से आपका संबंध है, तो ये समय है जब आपको दीक्षा भी मिल सकता है किसी दीक्षा गुरु से, तो ये बहुत बढ़िया समय। और तीसरा घर जैसा मैंने बताया प्रचार का है, तो अगर आप जैसे गीता या भागवतम, ये रामायण महाभारत या ये सब ग्रंथ आप पढ़ते हैं, तो आप उस ज्ञान को अपने तक मत रखिए, आप दूसरों तक भी लेके जाइए उसको ना, और उसका प्रचार करिए। आप YouTube में वीडियोस बनाइए या Instagram में आप पोस्ट डालिए, या अपने घर आपका जो कम्युनिटी है, सोसाइटी है, उसमें आप कोई ग्रुप बनाइए जिसमें आप हर रविवार 5, 10, 15, 20 लोगों को बुला सके और साथ में कोई प्रवचन आप कर सके। इसके अलावा तीसरा घर जो है वो IT इंडस्ट्री का भी होता है, जो इंडिया में तो हिंदुस्तान भारत में बहुत पॉपुलर है। तो IT से जुड़ा हुआ कोई भी काम, अगर आपका मान लीजिए बिजनेस है, व्यवसाय है, जिसको आप, क्योंकि अभी तो ये कोरोना महामारी चल रहा है, तो इसके वजह से बहुत सारे लोग ऑनलाइन वेब इंटरनेट में जा रहे हैं, तो कोई वेबसाइट अगर आप खोलना चाहते हैं, तो सबसे बढ़िया टाइम है कि आप अपना बिजनेस को ऑनलाइन लेके जाइए, वेबसाइट लॉन्च करिए, ऑनलाइन मार्केटिंग करिए, या ऑनलाइन एजेंसीज को कॉन्टेक्ट करिए, या ई कॉमर्स वगैरह ऐसी चीजें आप कर सकते हैं, या कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो गया जो आप सीखना चाहते हैं ना, या कोई लिखने की कोई भी चीज आप करना चाहते हैं, तो ये सारी चीजें आप कर सकते हैं, या कोई वीजा वगैरह अप्लाई करना है दूसरे देश के लिए, वो सारी चीजें भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा ये दूसरे घर का स्वामी है, तो धन धन संबंधित भी चीजें हो सकता है, तो इंटरव्यूज वगैरह के लिए बहुत अच्छा है ना, इंटरव्यू वगैरह अगर आप देना चाहते हैं प्रमोशन के लिए, या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम, या कोई ऐसी चीज जो आपको दूसरे कंपनी में लेके जा सके, उनके लिए बहुत बढ़िया है। और पांचवा घर तो क्रिएटिविटी का है, जो आपके जो चीजें हैं जिनको आप पसंद करते हैं, उन चीजों को ज्यादा से ज्यादा करिए। फिर नौवें घर को दृष्टि डालेगा, तो गुरु से संबंध बना के रखिए। फिर सप्तम को दृष्टि डालेगा, एकादश 11वें को भी दृष्टि डालेगा, तो संस्थाओं से जुड़िए, लोगों से जुड़िए, अकेले मत रहिए। उसके बाद धनु राशि पे आ जाते हैं। धनु लगन के लिए ये गोचर आपका लग्नेश, गुरु आपके लगन के मालिक है, और अभी आपके लगन में है, और जब ये गोचर होगा तभी आपके दूसरे घर में जाएंगे, क्योंकि अभी धनु में है और ये गोचर है मकर का, जो आपका दूसरा स्थान है लगन से। उसके बाद गुरु आपके लग्नेश होने के साथ साथ चतुर्थेश भी है, तो ये जो गोचर है ये पूरा ही आपका कुटुंब को दर्शाता है मेरे अनुसार, मतलब कि जो आपका घर है, जो आपका परिवार है। और कभी कभार कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये अगर किसी की शादी हो गई है तो ये मेरे माता पिता को दर्शाता है कि या मेरे बीवी बच्चे या मेरे पति या ससुराल को दर्शाता है, किसको दर्शाता है ये। तो ये ऐसे मत सोचिए इसको कि शादी के पहले का घर, शादी के बाद का घर। ये दूसरा घर वो होता है जिसको भी आप अपना परिवार मानते हैं, वो आपका कोई दोस्त भी हो सकता है, उसको लिख के ले लीजिए आप, ठीक है। दोस्त मतलब ऐसे ही दोस्त नहीं, लेकिन जो कोई जिनसे बहुत घनिष्ठ मित्रता है आपकी ना, बहुत ही ज्यादा करीब है आप जिनके, या आपके जो करीब है, वो सभी लोग दूसरे घर में आते हैं, ठीक है। तो आपका जो दूसरा घर है वो वहां पे अभी गोचर हो रहा है आपके लग्नेश का, और आपके लिए तो गुरु का कोई भी गोचर बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि आपका लग्नेश है गुरु, आप और आपके लिए और मीन लग्न के लिए, क्योंकि दोनों का ही लग्नेश है गुरु। तो ये धनु लग्न वालों के लिए ऐसा हो सकता है कि अगर आप विवाह करने की इच्छुक है, आपका उम्र है
है हो गया है विवाह का, तो दूसरा सातवां ग्यारहवां जो है वो विवाह का स्थान, विवाह स्थान बोला जाता है इनको। तो ये समय अगर आप विवाह करना चाहते हैं तो बहुत बढ़िया समय है विवाह करने का। इसके उपरांत अगर आप कोई भी ऐसा इन्वेस्टमेंट वगैरह करना चाहते हैं ना, जिससे बाद में आपको बहुत फायदा हो, या आप अपने किसी परिवार के सदस्य के नाम कोई बैंक अकाउंट खोलना चाहते हैं या कोई इन्वेस्टमेंट आप करना चाहते हैं, तो वो सब भी आप कर सकते हैं। जैसा मान लो आपके यहाँ कोई लड़का पैदा हुआ है या कोई लड़की पैदा हुई है, तो उनके पढ़ाई खर्चे या उनकी शादी के लिए आप अभी से कुछ पैसे रख देना चाहते हैं, ताकि 15-20-25 साल बाद वो बढ़ के ना काफी बड़ा रकम हो जाए, तो वो भी आप कर सकते हैं ना। अपने बच्चों के नाम आप कोई इन्वेस्टमेंट खोल सकते हैं, ये सब आप कर सकते हैं। या आपको कोई मान लीजिए आपका उम्र हो गया है और आपको अपना विल बनाना है, वो क्या बोलते हैं उसको हिंदी में पता नहीं मुझे कि आप जब गुजर जाए तो आपके वो जो प्रॉपर्टी वगैरह है, आपका जमीन जायदाद किसको कितना मिलेगा ना, वो आप तय कर सकते हैं ना। वो आप लिख के जा सकते हैं किसी के नाम, किसी के भी नाम, अपने बच्चों या अपने पति पत्नी जिसके भी नाम आप लिखना चाहते हैं। तो ये एक अच्छा टाइम है ये करने का। और अगर आपको लगता है कि कुछ लोगों से आपका मन मुटाव है घर में, फैमिली में, जिनसे रिलेशन आपका ठीक नहीं है, तो ये टाइम है कि उनसे रिलेशन सुधारिए। और अगर आप शादीशुदा हैं और अगर आप संतान की उत्पत्ति चाहते हैं अभी, तो ये तो सबसे बढ़िया टाइम है, क्योंकि दूसरा घर जो है वो संतान का भी भाव होता है, दूसरा, पांचवा, नौवा, ग्यारहवा, क्योंकि वो संतान आता है तो आपके परिवार में ही तो आएगा ना, तो संतान उत्पत्ति का भी सबसे बढ़िया टाइम है ये। और अगर आप प्रयत्न कर चुके हैं और नहीं संतान हो रहा है आपका, तो और अगर आप इस टाइम कोई एडॉप्शन वगैरह का सोच रहे हैं, तो ये भी एक बहुत बढ़िया टाइम है कि आप किसी को एडॉप्ट कर सकते, किसी को अपना सकते हैं ना। तो ये सब, और अगर आपके घर में किसी को कोई व्याधि है, कोई बीमारी लगी हुई है, तो उनको आप ठीक करवा सकते हैं, उनको डॉक्टर के पास लेके जाइए, अपने मम्मी या पापा कोई भी जो हो आपके, या बड़े बुजुर्ग। और लग्नेश है तो आप अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिए, और कभी कभार ऐसा हो सकता है कि लग्नेश दूसरे में जा रहे हैं, तो ये घर वाले ज्यादा प्रेशर डाल सकते हैं आप पे किसी चीज को करने के लिए, जिसकी वजह से आपका हेल्थ बिगड़ सकता है, तो आप अपना हेल्थ मत बिगाड़िए। और चौथा घर का स्वामी है, तो इसके वजह से जमीन जायदाद संबंधी चीजों पे तो बातचीत हो ही सकता है आपका। इसीलिए मैंने पहले बोला था वो जो लिखने का ना, किसको क्या मिलेगा, वो चीज इसीलिए मैंने बोला था। और इसके बाद छठे और दसवें घर को भी दृष्टि डालेगा, आठवें घर को भी दृष्टि डालेगा, तो अर्थ त्रिकोण आपका एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट्स करिए, पैसे आप इन्वेस्ट करिए, वो बहुत अच्छा रहेगा। उसके बाद चलते हैं मकर लग्न पे। मकर लग्न के लिए ये आपके लग्न में गोचर होने वाला है, बहुत ही महत्वपूर्ण गोचर है ये, गुरु आपके लग्न पे आ रहा है। तो शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि जब गुरु लग्न पे आते हैं तो 1000 दोष माफ हो जाते हैं। अब इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ ये है कि आप स्वर्ग में रहेंगे 1 साल, नहीं, इसका अर्थ ये नहीं है। इसका अर्थ ये है कि अगर आप आध्यात्मिक चीजें करते हैं, जैसे मंत्र जाप हो गया या भागवतम पढ़ना या भगवत गीता पढ़ना, तो उसे क्या होगा, और अपने गुरु का आश्रय लेना, गुरु का शरण लेना, तो उससे क्या होगा, आपको एक दिव्य दृष्टि जैसी मिलेगी, जो जो संजय को मिली थी वेद व्यास के द्वारा महाभारत युद्ध के दौरान। कुरुक्षेत्र का पूरा रणभूमि देख पाए थे वो धृतराष्ट्र को बताने के लिए, तो आपको भी वैसी दिव्य दृष्टि मिलेगी। शायद वैसी ही ना मिले, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि लगन जो होता है वो सबसे प्रमुख स्थान होता है, पांचवा और पहला स्थान जो होता है, पहला घर पांचवा घर सबसे प्रमुख होता है ये गुरु है। तो इसीलिए आपके लिए ये बहुत ही ज्यादा आवश्यक हो जाता है कि आप ये देखें, क्योंकि लगन जो होता है ना सारे घरों का सार होता है, क्योंकि जब हम बोलते हैं पांचवा घर, किसका पांचवा घर होता है, वो लगन से पांचवा होता है। ठीक है, लगन मतलब आप, तो आपका पांचवा घर है वो।
तो इसके वजह से आप ये देखिए कि आपके लाइफ में क्या ऐसी चीजें हैं जिनमें आपको सुधार लाने की आवश्यकता है। वो ऐसी कौन सी चीजें हैं जिसको आप बहुत 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 सालों से सोच रहे हैं कि मुझे करना चाहिए, और आपके अंतरात्मा भी जानती है कि आपको करना चाहिए, लेकिन आप नहीं कर पा रहे या आप कर नहीं रहे आलस्य की वजह से। तो ये सबसे सही टाइम है कि आप उन सब चीजों को कर सके अपने जीवन में और उतार सके अपने व्यक्तित्व में। तो उसके वजह से क्या होगा कि आपका जो पूरा पूरा जीवन है वो सुधर जाएगा, और उसके वजह से आपका जो मस्तिष्क है, वो जो लगन जिसको बोलते हैं ना, बुद्धि, वो आपका ठीक रहेगा। तो इसलिए इस समय ये जो 2021 है, बहुत आवश्यक है कि आप जैसे हमारे जो भगवद गीता है या श्रीमद् भागवतम है, ऐसे ग्रंथों को आप पढ़िए ताकि आपका जो बुद्धि है वो स्थिर रहे। क्योंकि अभी कुछ अगर आपने इधर उधर कर दिया, कुछ बिगाड़ दिया, तो पूरी आपकी जिंदगी बिगड़ सकती है। और अगर आपने सुधार दिया अपनी जिंदगी को, तो आपके जिंदगी का हर एक पहलू सुधर जाएगा, आप खुद ही देखेंगे। तो इसी कारण ये बहुत जरूरी है कि हम, क्योंकि ये लगन से पांचवें सातवें नौवें को दृष्टि डालेगा, तो नवा घर जो है, आपको पता ही गुरु का स्थान है, तो गुरु से विचार विमर्श करिए, गुरु का परामर्श लीजिए। या आपका कोई भी, आपके घर में कोई वरिष्ठ है, आपके पिता है, माता है, या आपके दादा दादी नाना नानी कोई भी है, उनसे आप सलाह मशवरा करिए कोई भी चीज में आपको संशय है तो। और उसके बाद सातवें घर में भी दृष्टि डाल रहे गुरु महाराज। तो अगर आपका जीवन साथी से मन मुटाव बढ़ गया है, तो उसको भी मिटाने का बहुत सही टाइम है ये। और पांचवा घर संतान का घर होता है, तो अगर आप संतान प्राप्ति के इच्छुक है और आपकी दशाओं में है, वो आपके और आपके जीवन साथी के दोनों के कुंडलियों में होना चाहिए, वो तब हो सकता है संतान की प्राप्ति भी आपको हो जाए, निसंदेह। और तीसरे बारहवें घर का स्वामी है, तो तीसरे बारहवें घर का स्वामी लगन में आएगा, तो ऐसा हो सकता है कि आपको अपना देश छोड़ के कहीं दूसरे जगह जाना पड़े, या कोई दूसरे दूसरे गांव जाना पड़े, दूसरे टाउन जाना पड़े, दूसरे शहर जाना पड़े, दूसरा स्टेट जाना पड़े, तो ऐसा हो सकता है। और क्योंकि बारवा घर का स्वामी आ रहा है लगन, तो ऐसे भी हो सकता है कि कुछ खर्चे आप जानबूझ के करें या कोई दान दक्षिणा आप दे। तो इसीलिए मैं ये अनुरोध करूंगा कि आप अगर कोई दान दक्षिणा वगैरह दे सके तो बहुत बढ़िया होगा आपके लिए। क्योंकि इससे क्या होगा, आपका जो नुकसान होने वाला है, या अगर होने वाला था, या ऐसा कुछ हो सकता है आपकी दशाओं में, अगर ऐसा कुछ लिखा है, तो वो ऐसे ही कम हो जाएगा क्योंकि आप दान दक्षिणा दे रहे हैं, ठीक है। और तीसरा घर का स्वामी आ रहा है लगन पे, तो लिखने वगैरह से रिलेटेड कोई भी काम आप करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। तो अभी चलते हैं कुंभ लगन पे। कुंभ लगन का जो गुरु है, बारहवें घर में जाने वाले हैं, दूसरे घर और ग्यारहवें घर के स्वामी हैं। तो बारहवां घर जो है, ये बहुत सारी चीजों को बताता है। तो जैसे अगर आपके कुंडली में कोई चौथे घर से संबंधित कोई दशा चल रही है, तो ऐसा हो सकता है आप कोई वाहन खरीदे, अगर शुक्र की दशा है, और अगर आपका शनि या मंगल से जुड़े हुए कुछ ग्रहों की दशा है, या शनि मंगल का ही दशा है, चौथे घर में बैठे हैं, तो आप जमीन जायदाद ये सब खरीद सकते हैं। उसके बाद आप घर भी खरीद सकते हैं, और घर में कोई कोई किसी वजह से आपका खर्चा बढ़ सकता है, या हो सकता है कि आप कोई उच्च शिक्षा के लिए कहीं दूसरे देश में जाए, उसमें आपको लोन लेना पड़े कहीं ना, तो उसका थोड़ा खर्चा आ सकता है, या कहीं इधर उधर जाना पड़े, आपको डिस्प्लेसमेंट हो सकता है आपका, आपको दूसरे देश में जाना पड़ सकता है, दूसरे गांव जाना पड़ सकता है, दूसरे शहर जाना पड़ सकता है, तो इसके वजह से थोड़ा खर्चा उठाना पड़ सकता है आपको। मैं खर्चे की बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि दूसरे घर का भी स्वामी है। दूसरा घर जो है, ये आपका संचित धन है, बताता है कि आपके अंत में आपके बैंक में पैसा बचता कितना है, ये कमाता कितना है, ये नहीं बोलते। लेकिन कुंभ लगन में ग्यारहवें घर का भी स्वामी होता है, तो ग्यारहवा घर ये बताता है आप कमाते कितना है, ठीक है, तो कमाना बचाना। और बारहवा घर जो व्यय का भाव है, तो
इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि आपका नुकसान ही हो, लेकिन कुछ अच्छी चीजों के कारण आपका ये हो सकता है, आपका व्यय थोड़ा ज्यादा हो सकता है। जैसा मान लीजिए आपने कोई बिजनेस खोला, अब उसमें शुरुआत में तो आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा ना, वरना आपको कहाँ से पैसा, मतलब बिजनेस में प्रॉफिट कहाँ से होगा आपको। तो वैसा हो सकता है कि आप इन्वेस्ट करें कहीं और उसका प्रॉफिट आपको बाद में मिले, जब आपकी दशाएं आएंगी उस तरह की, तो उसका प्रॉफिट तब मिल सकता है आपको। तो इसीलिए बारहवां घर जो है, और अगर आपका कुंडली में पांचवा घर से संबंधित कोई भी दशाएं चल रही है, तो ऐसा भी हो सकता है कोई प्रेम संबंध आपका जुड़ सकता है, क्योंकि बारहवां घर जो है जब पांचवें घर से जुड़ता है तो प्रेम संबंध वगैरह को भी बताता है। तो मैं आपको सारे पॉसिबिलिटीज बता रहा हूँ क्या क्या हो सकता है। और 11वें घर का स्वामी 12वें घर में जा रहा है, तो ऐसा हो सकता है कि आपके घर में कोई आपका बड़ा भाई हो, कोई आपकी बड़ी बहन हो, तो उनके वजह से थोड़ा खर्चा बढ़ सकता है आपको, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि 11वां घर बड़े आपके भाई बहन को दर्शाता है। और दूसरा घर का स्वामी 12वें में जा रहा है, तो इसका तो आप अनुमान लगा ही सकते हैं कि घर वालों के वजह से भी आपके थोड़े खर्चे बढ़ सकते हैं। तो इसका एक बहुत सरल उपाय है, जब भी कोई ग्रह 12वें घर में गोचर करता है, कि हम दान दक्षिणा दे, क्योंकि जब हम दान दक्षिणा देते हैं तो उसका हमें पुण्य भी मिलता है। तो अगर आपको कोई आपके सामने या आपके जान पहचान में कोई मंदिर है, तो वहां पे आप दान दक्षिणा दे सकते हैं, तो बहुत फायदे में रहेंगे आप बाद में। उसके बाद छठे घर को दृष्टि डालता है, जो छठे घर जो है आपके बीमारियों का घर है, तो उसके वजह से ऐसा हो सकता है कि आपको ज्यादा नींद लेना पड़े, क्योंकि 12वां घर नींद का भी होता है। तो अगर आपका आपका शरीर ठीक नहीं है, तो शरीर को ठीक करिए, शरीर में जो जो आपकी समस्या है उनको आप उनको डॉक्टर के पास जाके उनका इलाज करवाइए। उसके बाद ये आपके चौथे घर को भी दृष्टि डालता है, 12वें घर से, और 8वें घर को भी दृष्टि डालता है। तो ये 4, 8, 12 जो है, इसको मोक्ष त्रिकोण कहा गया है। तो इसी कारणवश मोक्ष त्रिकोण में जब भी गोचर होता है गुरु का, तो ये आध्यात्मिक चीजों से जुड़ने के लिए सबसे बढ़िया समय होता है। क्योंकि 11वें घर का स्वामी है गुरु आपका, तो ये सत्संग वगैरह भी दिखाता है कि सत्संग में आप जा सकते हैं, क्योंकि 11वां घर सत्संग होता है अगर वो 9वें या 12वें से जुड़ जाता है, क्योंकि सब लोग मिलके कर रहे हैं कुछ चीज। तो इसके वजह से आप अगर कोई संस्था से जुड़ना चाहते हैं आपके गांव में या आपके शहर में आध्यात्मिक संस्था से, तो इससे अच्छा टाइम आपको नहीं मिलेगा। तो इस समय का सदुपयोग करिए, उनसे मिलिए। 8वें घर को भी दृष्टि डालेगा, तो 8वां घर जैसे ससुराल का होता है, तो ससुराल वालों के साथ भी आपका अगर संबंध ठीक नहीं है, तो उसको सुधारिए। तो ऐसी चीजें आप करेंगे तो आपका फायदा होगा। तो अभी चलते हैं मीन लगन पे। मीन लगन के लिए गुरु महाराज 11वें घर में गोचर करने वाले हैं, और लगन और 10वें घर के स्वामी हैं। तो अभी मीन लगन 11वां घर कलयुग में सबसे महत्वपूर्ण घर होता है। वैसे तो लगन और पंचम को सबसे महत्वपूर्ण माना गया है शास्त्रों में, और नवम को, लेकिन क्योंकि कलयुग में लोगों को भौतिक आसक्ति बहुत ज्यादा बढ़ गई है लोगों की, तो उसके वजह से क्या होता है कि 11वां घर जो लाभ भाव है, उसमें से जब कोई ग्रह जाता है तभी सबको संतुष्टि मिलता है, क्योंकि 11वां घर कुछ ना कुछ देखे जाता है आपको, धन लक्ष्मी या विवाह या संतान या कुछ भी, कोई प्रमोशन या कोई बहुत नाम इज्जत शौहरत ऐसा देखे जाता है। तो इसके वजह से क्या होता है कि अभी जब गुरु आपके 11वें में जाएगा, और शास्त्रों में भी ये कहा गया है 11वें घर का जो गोचर होता है बहुत शुभ होता है गुरु का, तो आपका अगर आपकी आपके मन में जो भी इच्छा है, जिनको भी आप पूरी करना चाहते हैं, तो अभी पूरा जोर लगा दीजिए आप, क्योंकि वो लग्नेश है, दशमेश भी है आपका, दशमेश आपका 11वें में जा रहा है। तो ये आपके जो व्यवसाय है उसके लिए तो ये सबसे उत्तम योग है, इससे उत्तम योग हो ही नहीं सकता, क्योंकि 10वां और 11वां जो है सबसे ज्यादा धनराशि इन्हीं से आती है। तो इन दो घरों का जब संबंध बन गया है, तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है आपके लिए। तो
आपको प्रमोशन चाहिए तो अपना बॉस से बात करिए, दूसरा नौकरी ढूंढना चाहते हैं तो आप ढूंढिए, अप्लाई करिए, एप्लीकेशन डालिए। विदेश जाना चाहते हैं नया बड़ा नौकरी ढूंढने के लिए, या कोई ऐसी जो बड़े बड़े 5 कंपनियां हैं ना, जैसा गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजोन, ऐसी कंपनीज पे आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। मैं भारत के बाहर अप्लाई करने का बात नहीं कर रहा, भारत के अंदर भी अप्लाई कर सकते हैं, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। मैं इसे उदाहरण दे रहा हूँ, या आपको कोई उच्च शिक्षा के लिए कहीं जाना है तो वो भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप जैसे आपका व्यवसाय है मान लीजिए, उसको उसकी वृद्धि करना चाहते हैं तो ऑनलाइन आ जाइए, आप ऑनलाइन वेबसाइट खोलिए, अलग अलग तरीके से आप अपना मार्केटिंग करिए, क्योंकि लग्नेश भी है तो लग्नेश 11वें में जा रहा है, तो इसको ऐसा बोला गया है कि यह व्यक्ति हनुमान जैसा होता है। हनुमान जी के बारे में हम सब जानते हैं, उनकी खासियत है कि वो भगवान राम के परम भक्त है और कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो वो कर नहीं सकते, जिसमें वो सक्षम नहीं होता, ऐसा कोई भी कार्य है नहीं, ये जानते हैं। तो इसके वजह से ये जो एक साल है 2021, आप पूरा आप ठान लीजिए कि मैं अपने जो भी मैं चीजें करना चाहता हूँ अपने लाइफ में, जो भी मेरी आकांक्षाएं हैं, जिनको मैं पूरा करना चाहता हूँ, उनको मैं पाके रहूंगा, मैं हासिल करके रहूंगा। तो उसके लिए जो भी आपको चाहिए, जो भी आपको दिन रात काम करना पड़े तो आप करिए, आपको दिन रात मेहनत करना पड़े तो आप करिए, दिन रात आपको कसना पड़े तो कसिए। क्योंकि ये गोचर 12 साल में एक ही बार आता है 11वें घर पे, तो ये गोचर बार बार नहीं आता है, तो इसीलिए इस गोचर को पूरा आप अच्छे से इसका सदुपयोग करिए। और अगर आप विवाह के इच्छुक है तो ये विवाह का भी योग बता सकता है, अगर आपका कुंडली में दूसरे 7वें 11वें घर के ग्रहों का दशा चल रहा है तो विवाह भी हो सकता है आपका, और संतान उत्पत्ति का भी योग बन सकता है अगर वो कुंडली में है, क्योंकि 11वां घर जो है वो लाभ है, वो विवाह का लाभ है या संतान का लाभ है, किसी भी चीज का लाभ हो सकता है आपको, लेकिन वो क्या होगा वो आपके दशाओं से पता चलेगा, ठीक है। और इसके बाद आपके 5वें घर को दृष्टि डालेगा, तो संतान से संबंधित कोई भी चीजें, कोई भी आपकी चिंताएं है तो उसको दूर करेगा ये। उसके बाद 3रे घर 7वें घर को भी दृष्टि डालता है, तो 3रा घर तो हमें मालूम ही आपको क्या है, 3रा घर लिखने का स्थान है, या जो आपके आस पास के लोग है, पड़ोसी है, जो आपके छोटे मोटे दोस्त है, जो जो घनिष्ठ मित्र जो है वो नहीं, वो 11वें घर से देखा जाता है, ठीक है। और 11वां घर से 3रे 7वें को दृष्टि डाल रहा है, तो जीवन साथी से संबंधित भी कोई अगर आपकी समस्या है तो उसको भी आप हल कर सकते हैं। और 11वां घर तो आपको मालूम ही है, वो ये बताता है जो जो हम बड़े लोगों के साथ जुड़ के करते हैं, तो अगर आपके कोई बड़े भैया है या कोई दीदी है, उनसे आप जुड़िए, उनसे बात करिए कि कैसे जीवन को बेहतर किया जाए, तो ऐसे आप इस गोचर का फायदा उठा सकते हैं, ठीक है।